सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं शैलेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलटी ग्रेट स्पेशल में लेकर आए हैं वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ नॉवेल मिसेज डॉलवे, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए बिना समय गुमाए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक और जानते हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में थोड़ी सी बातें। वर्जीनिया वुल्फ का पूरा नाम एडिन वर्जीनिया स्टेफन था। इनका जन्म 25 जनवरी 1882 को कैसिंगटन मिडिलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 मार्च 1941 को 65 वर्ष की आयु में लुवस सेसेक्स इंग्लैंड में हुआ। यह मुख्य रूप से उपन्यासकार, निबंधकार, प्रकाशक, आलोचक रहे। इनका एक प्रिंटिंग प्रेस था अपना। राष्ट्रीयता तो आप जानते ही हैं ब्रिटिश की थी। इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से अपनी शिक्षा ग्रहण की। इनके उल्लेखनीय कार्य अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिर इन्होंने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम था ब्लूम्सबरी ग्रुप, जिसमें यह स्वयं एडलिन वर्जीनिया स्टेफन, ईएम फास्टर थे, लिप्टन थे, स्टेफन थे और लियोनार्ड वुल्फ थे। लियोनार्ड वुल्फ की शादी वर्जीनिया से हो जाती है, इसलिए एडलिन वर्जीनिया स्टेफन का नाम बाद में बदलकर वर्जीनिया वुल्फ हो जाता है। वर्जीनिया वुल्फ ने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी, उसका नाम था होगार्ड प्रेस, जिसमें ब्लूम्सबरी ग्रुप और उसके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनके सभी चीज़ प्रकाशित होती थी। वर्जीनिया वुल्फ का जो पहला नावल था वॉयज आउट 1915 में प्रकाशित हुआ था। यह होगार्ड प्रेस में प्रकाशित होने वाला पहला नावल था। वर्जीनिया वुल्फ जब मात्र 13 साल की थी तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था। उसके 2 साल बाद इनके सिस्टर का भी देहांत हो गया, इसलिए यह नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार हो गई। धीरे धीरे बाद में ठीक हुई। उसके बाद में 1904 में इनके पिताजी भी चल बसे, इसलिए यह मेंटल ब्रेकडाउन के शिकार हो गई और यह हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, जिसका असर इनके सभी नावल में आप देख सकते हैं। जो आज का हमारा प्रेजेंट नावल है मिस्टर डॉलवे, इसमें भी आप इनके सिस्टम ऑफ कॉन्शसनेस को देखेंगे कि इनके मन में कैसे अंतर्द्वंद चलते थे, इनके जो कैरेक्टर दिए हैं इनके मन में कैसे अंतर्द्वंद चलते हैं, आपस में ही अपने मन में ही विचार करते हैं, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो चलिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी पहली जो नॉवेल आई थी उसका नाम है द बॉयज़ आउट, ये 1915 में आई थी, इनके होगार्ड प्रेस में ही यह प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है नाइट एंड डे, जो कि 1919 में आई थी। फिर आता है जैकब्स रूम, जो कि 1922 में आई थी। फिर आता है टू द लाइट हाउस, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, यह है 1928 में आई थी। जो हमारा आज का प्रेजेंट नावल है मिसेज डॉलवे, ये 1925 को आया था। अभी तक जो हमने आपको बताया ये इनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आता है ऑरलैंडो, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था, जो इनके मृत्यु के बाद, इसे पॉस्थमस नावल बोल सकते हैं। और ऑरलैंडो जो नावल है ये एक प्रकार के फैंटेसी बायोग्राफी का उदाहरण है। इसके बाद आता है द बेब्स, 1931 में आया। फिर आता है द ईयर्स, ये 1937 में आता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है बिटवीन द एक्ट्स, यह 1941 में आता है। यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसको लिखते हुए वर्जीनिया वुल्फ ने सुसाइड कर लिया था। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस नावल को लिखते समय वर्जीनिया वुल्फ ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो उसका आंसर होगा बिटवीन द एक्ट्स, जो कि 1941 में आया था। एक टर्म पूछा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, कभी कभी पूछ लेता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को क्वाइन किसने किया था, तो उसका आंसर होगा विलियम जेम्स, इन्होंने 1890 में इस शब्द की उत्पत्ति की थी। नावल के क्षेत्र में वर्जीनिया वुल्फ को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का परफेक्टर माना जाता है। तो चलिए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं मिस्टर डॉलवे। ये जो उपन्यास आज हमारा जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है एल्टी ग्रेड में, ये जो उपन्यास है ये मिडिल जून
बुधवार का दिन है, 1923 की कहानी है। चलिए जानते हैं इस नावल के कैरेक्टर के बारे में। तो इस नावल कैरेक्टर में जो सबसे पहले आती हैं मिसेस क्लेरिसा डॉलवे, ये 51 साल की हैं, ये इस नावल के प्रोटागोनिस्ट हैं। उसके बाद नीचे हैं रिचर्ड डॉलवे जो इनके पति हैं, उसके बाद हैं एलिजाबेथ डॉलवे जो इनकी बेटी हैं। उसके बाद आप दाएं तरफ में देखेंगे ह्यूज व्हाइट ब्रेड, ये इन मिसेज क्लेरिसा डॉलवे के पुराने फ्रेंड हैं। और अगले हैं पीटर वाल्स, ये क्लेरिसा डॉलवे के लवर हैं। पीटर वाल्स ने इनको प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन इन्हें क्लेरिसा डॉलवे ने बिल्कुल मना कर दिया था। वह किसी अमीर घराने की में शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बाद में रिचर्ड डॉलवे से शादी कर ली जो कि एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगले आते हैं सैली सेटन। सैली सेटन महिला हैं और ये क्लेरिसा डॉलवे की बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। ये बचपन में ये लोग जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, इस टाइप से रहते थे। अगला कैरेक्टर है लेडी बूटन, ये महिला हैं 62 साल की। रिचर्ड डॉलवे इनके साथ टी पार्टी पर जाते हैं, जिसको सुनकर क्लेरिसा डॉलवे बहुत ईर्ष्यालु होती हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया। अगले नीचे आते हैं हमारे एक शिक्षिका हैं जो कि एलिजाबेथ डॉलवे को पढ़ाती हैं इतिहास, उनका नाम है डोरिस किलमैन। अगले कैरेक्टर आते हैं सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने गए थे और काफ़ी दिन तक लड़ाई लड़े थे। इनके एक फ्रेंड है इमांस, जो कि युद्ध में मारे गए थे और ये विक्षिप्त हो गए हैं। अगली कैरेक्टर है लुक्रेजिया स्मिथ, इनका एक और नाम है रेजिया भी, जो कि इटली से अपना घर द्वार छोड़ के सेप्टिमस से शादी करके चली आई हैं, ये 24 साल की हैं। अगले कैरेक्टर आते हैं सर विलियम ब्रेडसा, जो कि सेप्टिमस के पागलपन का इलाज कर रहे हैं। उसके बाद अगली कैरेक्टर हैं डेजी सिमॉन्स। जब पीटर को ठुकरा दिया जाता है शादी करने के लिए, वह इंडिया चला जाता है और इंडिया में एक मेजर हैं, उनकी पत्नी है डेजी सीमॉन। उसके बाद यह आता है ब्रिटेन में, तलाक का पेपर साइन करवाता है, तैयार करता है कि उसे तलाक हो जाए, फिर इनसे शादी हो जाए। कहानी की शुरुआत मिसेज डॉलवे के घर से होती है, जो कि 51 साल की हैं। इनके पति रिचर्ड डॉलवे हैं और ये शाम को एक पार्टी देने वाली हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रही हैं, जिसके लिए इन्होंने अपनी हरी वाली साड़ी जो इनकी सबसे फेवरेट है उसको सही कर रही हैं। उसके बाद ये फूल लेने जाती हैं विक्टोरिया स्ट्रीट में, जो इनका फेवरेट मार्केट है। उसके बाद ये जब जाती हैं बाहर निकलती हैं, तो फिर ये नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के देखकर इनको अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। और ये सोचते हैं कि जब मैं बचपन में अपने माँ बाप के घर से तो ऐसा लग रहा था, उनको 30 साल पहले के दिन आने लगते हैं। फिर वह पीटर वाल्स को याद करती हैं, जिसने इनको मैरिज के लिए प्रपोज किया था। ये सब याद करते हुए विक्टोरिया स्ट्रीट में जाती हैं, तब तक इनको कुछ गोली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये चौंक जाती हैं, फिर जब देखती हैं कि कार के पास सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं, फिर ये देखती हैं कि वहाँ पीटर वॉरेन स्मिथ है जो कि बड़बड़ा रहा है। उसने काफ़ी समय तक युद्ध में लड़ा है, इसलिए उसको हो गया है सेल्फ शॉक, एक नर्वस ब्रेकडाउन टाइप का भी होता है, काफ़ी समय युद्ध लड़ने के बाद ऐसा होता है। और उसने अपना एक फ्रेंड इवांस को खो दिया है, इस वजह से बहुत पागलपन टाइप का हो गया इसको। युद्ध में जाने से पहले सेप्टिमस भी बड़ा रोमांटिक हुआ करते थे, वह शेक्सपियर की कहानियाँ पढ़ा करते थे, लेकिन जब इन्होंने युद्ध को देखा, प्रथम विश्व युद्ध को, और इसमें इतने कत्लेआम हुए, इतने लोगों की जाने गई, उसमें इनका फ्रेंड भी मर गया, इसके बाद से इनका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। प्यार के प्रति इनको नफरत हो जाती है, इनको लगता है कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इधर के मन की बात देखें तो लुक्रेजिया इटालियन गर्ल है जो कि 24 ईयर ओल्ड है, और यह घर द्वार छोड़ के इनको अपने पति के रूप में अपना कर इनसे सुख लेने के फिराक में थी, लेकिन हुआ क्या, ये तो एक बर्डन के रूप में लुक्रेजिया के ऊपर खुद ही आ गया। यह भी अपने मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि अभी आपने देखा कि मिसेस क्लेरिसा डॉलवे भी
जा रही हैं मार्केट में, सोच रही हैं अपने फ्रेंड के बारे में, अपने घर के बारे में, ऐसे भी सोचती रहती। कुछ समय बाद जब वह फूलों की खरीदारी कर रही थी तो मिसेज डालवे को एक एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फिर उसको देखती हैं तो उसमें ये चौंक जाती हैं, फिर देखती हैं कि उसमें चॉकलेट या काफ़ी, कहीं चॉकलेट मिलता है कहीं काफ़ी मिलती है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है। लुक्रेजिया सेप्टिमस वारेन स्मिथ का मन बहलाने के लिए उनको वह एरोप्लेन दिखाती हैं। सेप्टिमस एरोप्लेन को देखकर बहुत ही डर जाता है और चिल्लाता है, आई विल कमिट सुसाइड। मिसेज डालवे फूलों की खरीदारी करके घर आती हैं और अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगती हैं। वह सोचती हैं कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि इन्होंने उससे पहले अभी लुक्रेजिया स्मिथ को देखा था कि वह उसके ऊपर सेप्टिमस वारेन स्मिथ कितना बड़ा बोझ बना हुआ था। उसकी तुलना करते हुए देखती हैं कि उसने हमको सब कुछ दिया है, काफ़ी खुश रखता है। हाँ, यह है कि उन्होंने हमको समय नहीं दिया, काफ़ी बिजी रहते हैं इसलिए। और वह उसके बाद वह सैली सेकंड अपने बचपन के मित्र के बारे में सोचने लगती हैं। तभी उनको पता चलता है कि लेडी ब्रूटन के साथ रिचर्ड डालवे गए हैं टी पार्टी पर। यह सुनकर वह चौंक जाती हैं और बहुत गुस्सा करती हैं। दोस्तों, यहाँ हमसे कुछ छूट रहा था। जब मिसेज डालवे फूल की ख़रीदारी करने के लिए निकलती हैं, उसके पहले इनका जो पुराना फ्रेंड था या लवर कहें, पीटर वाल्स, तलाक के पेपर तैयार करने के लिए इंग्लैंड आया हुआ रहता है और मिसेज डालवे का घर देखकर वह उनके घर पहुंच जाता है। मिसेज डालवे पीटर को देखकर बहुत चकित हो जाती हैं और उसका स्वागत करती हैं। मिसेज डालवे और पीटर वाल्स बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। पीटर पूछता है कि क्या आप उनसे शादी करके खुश हैं, यानी रिचर्ड डालवे से शादी करके खुश हैं। ये सब बात हो ही रहती है तब तक उनकी बेटी एलिजाबेथ डालवे कमरे में प्रवेश करती हैं और सब बातें बंद करके क्लेरिसा डालवे कहती हैं, ये रही हमारी बेटी। पीटर वाल्स को यह सब सुनकर बाहर नागवाल गुजरता है, वह फिर वहाँ से निकलता है उनके घर से। और क्लेरिसा डालवे उसे कहती हैं कि शाम को हमारे यहाँ पार्टी है, आप ज़रूर आइएगा। पीटर जब बाहर जाता है फिर सोचता है कि इनको ऐसे कहने की आवश्यकता थी कि ये हमारी बेटी, चूँकि पीटर वाल्स क्लेरिसा डालवे से प्रेम करता था और बचपन से प्रेम करता था। अभी भी क्लेरिसा डालवे और पीटर वाल्स एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं, अभी भी वो एक दूसरे को याद करते हैं। इसलिए पीटर को बहुत ईर्ष्या होती है क्लेरिसा डालवे से और सोचता है कि ये इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था कि मेरी बेटी एलिजाबेथ है, उन्होंने हमारी बेटी यानी रिचर्ड डालवे और क्लेरिसा डालवे के वो संकेत करके बहुत बुरा किया। और वह चला जाता है। फिर वो एक पार्क में बैठता है, किसी का इंतज़ार करता है। फिर उसके बाद में यह कहानी शुरू होती है कि क्लेरिसा डालवे फूलों की खरीदारी लेकर निकलती हैं। ये हमसे छूटा था अभी। फिर कहानी बढ़ती है, ये अपने घर से जाती हैं, शाम का समय है, सभी गेस्ट आते धीरे और पार्टी शुरू हो जाती है। जब पार्टी पूरे अपने अपेक्स पे होती है, सभी मेहमान आए हुए रहते हैं, तो डॉक्टर जो थे सर विलियम ब्रैडसा, उनकी पत्नी आती हैं और बताती हैं कि उनके पति थोड़ा लेट से आएंगे क्योंकि उनके एक मरीज जिसका नाम सेप्टिमस वारेन स्मिथ है ने कूद कर अपनी जान दे दी। क्योंकि जब विलियम सेप्टिमस की इलाज करने के लिए उनके घर जाते हैं तो सेप्टिमस सोचता है कि यह मेरी आत्मा को ख़राब कर देंगे और अपनी आत्मा को बचाने के लिए यह डर के मारे अपने खिड़की से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। उसके पहले सेप्टिमस इस तरह से विक्षिप्त है कि वह कहता है कि पेड़ में जान है, पेड़ हमसे बात करते हैं, हमारा जो मित्र था वह आता है हमसे बात करता है। और इस सब बात को ले जाकर वो प्रधानमंत्री या कैबिनेट मीटिंग में कहने वाला था। इस बात को सुनकर क्लेरिसा डालवे बहुत विक्षिप्त हो जाती हैं और पार्टी छोड़कर एक कमरे में एकांत में चली जाती हैं और बड़ी गहन से सोचने लगती हैं, एकदम मेडिटेट होकर सोचने लगती हैं कि आखिर आत्मा है क्या। पीटर वाल्स भी उस पार्टी में मौजूद था, वह क्लेरिसा डालवे के अलावा किसी को जानता ही नहीं था, बिल्कुल अननोन था सबके बारे में। वह हर जगह क्लेरिसा डालवे को ही ढूंढता था। जब क्लेरिसा डालवे पार्टी छोड़कर एकांत में चली गई तो वह कई लोगों से इंक्वायर किया लेकिन कुछ पता ना चला।
फिर बाद में अपने कमरे में जाती हैं, एकांत में बैठती हैं, सोचती रहती हैं। और मिसेस क्लेसा डाल्विन ने सेप्टिमस वार्न स्मिथ का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने अपनी आत्मा को बचा दिया, नहीं तो ये डॉक्टर सेप्टिमस के आत्मा के साथ भी खिलवाड़ करते। और यहीं यह कहानी ख़त्म हो जाती है। चलिए इस नावल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मिसेज इजाबेल ऑलवेज गिवन लेक्चर अबाउट विलियम शेक्सपियर। अगला है, पीटर वाल्स इंडिया में कितने साल रहा है? तो पीटर वाल्स इंडिया में 5 साल रहा है। इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है बिग बैन, नावल में कई बार आया है, जो कि एक घड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। और यह जो प्रेजेंट नावल है मिस्टर डॉल्वे, यह 2 शॉर्ट स्टोरी को मिलाकर बनाया गया है। पहले शॉर्ट स्टोरी का नाम है मिसेज डॉल्वे इन बॉन्ड स्ट्रीट और दूसरे शॉर्ट स्टोरी का नाम है द प्राइम मिनिस्टर, जो कि अनफिनिश्ड है, पूरा नहीं हो पाया था। प्ले में एलिजाबेथ की उम्र 17 साल है, ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। एक क्वेश्चन आता है कि वर्जीनिया वुल्फ कौन से टेक्निक को अपने नावल में प्रयोग करती हैं? उसका आंसर है स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि मैंने बता दिया है। आप वैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बचता नहीं है, फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहिए, कोई गलती होगी तो उसमें मैं सुधार करके डाल दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अन्य ग्रुप में, जिससे अधिक लोग देख सकें। धन्यवाद।